नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया, मैं हूं राकेश। सारण जिले के माझी प्रखंड के कोहड़ा बाजार में सीएम नीतीश कुमार का पुतला रालोसपा कार्यकर्ताओं ने फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। रालोसपा नेता ओम प्रकाश कुशवाहा ने कहा कि सरकार दूसरे प्रदेशों में फंसे बिहार के मजदूरों छात्रों को बुलाने में विलम्ब कर रही है। सरकार अधिक ट्रेन चलाए और बाहर रह रहे फंसे हुए मजदूरों के खाते में 2000 रुपया जमा कराए। छपरा से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। देना होगा दे सभी बिहार के गरीबों को राशन, देना होगा दे सही गरीब के खाते में 2000 रुपया डालना होगा। आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर बिहार में बिहार से बाहर आने वाले छात्र नौजवान मजदूरों को लाने के लिए अधिक से अधिक ट्रेनों की व्यवस्था किया जाए। बिहार से बाहर महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बिहारियों पर हो रहे अत्याचार को अविलंब रोक लगाई जाए। जो ट्रेनें चल रही है उसमें यात्री सुविधा अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास किया जाए और बेमौसम बरसात में बिहार के किसानों की जो क्षति हुई है उसका सही सही आकलन करके सभी किसानों को रबी फसल की क्षति के पूर्ति का अनुदान देने का प्रयास किया जाए। और जो बिहार के मजदूर हैं, छात्र नौजवान हैं, जो गरीब वंचित लोग हैं जिनको राशन कार्ड मुहैया नहीं है, सबको बिहार में सभी व्यक्तियों को राशन देने का प्रयास किया जाए। इस लॉकडाउन की परिस्थिति में जो भुखमरी के कगार पर हैं उनके घर राशन पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इन्हीं 5 सूत्री मांगों को लेकर के हम नीतीश कुमार के खिलाफ आज हर चौक चौराहा और बिहार के कोने कोने में प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय और चौक चौराहा पर यह संदेश देना चाहते हैं कि केवल कार्ड के आधार पर राशन जबित नहीं हो। गरीब जो मजदूर क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं जिनको राशन कार्ड बनाने से वंचित किया गया है, उन तमाम लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराकर राशन देने का प्रयास किया जाए। और जो वंचित